कहा हो मेरी अप्सरा, देखो तुम्हारा आशिक कैसे सच धज के आया है। आज तो हमारा मिलन होके रहेगा। शौविक के करीब आने से मेरा नागरू फिर से जागृत हो रहा है। अरे हो क्या गया है तुम्हें? तुम तो पहले ऐसा नहीं थे। अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सब कुछ कितना बदल चुका है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे जाने दो वरना क्या। उस तुच्छ लड़की का इतना साहस कि उसने कालनाक पे प्रहार किया। कालनाक जैसे पौराणिक दैत्य का अंत सिर्फ एक ही दिव्य अस्त्र के प्रहार से हो सकता है। शिव जी का आशीर्वाद धन्य, त्रिरत्न त्रिशूल। ब्रो खाना आ गया, आप चेक लेके आओ ना। आपका ही ऑर्डर था ना सर? हाँ। एंजॉय योर मील सर। सॉरी सर, मेरे वजह से आपका खाना खराब हो गया, मैं उठा देता हूँ। मुझे जाने दो। जाएगा तो मेरे पेट में। आज ये मणि तुम्हें समर्पण करने के बाद मेरा जीवन काल भी समाप्त हो जाएगा। आज आपने जो महान काम किया है ना, इसके लिए ये पूरा जगत संसार हमेशा आपको याद रखेगा। आयुर्मणि, मुझे रक्त मणि तक पहुंचने का रास्ता दिखाई। बरगद गुरुजी ने भी तो यही दिशा बताई थी, मतलब रक्त मणि इसी ओर मिलेगी। बड़े दिनों के बाद एक मनुष्य का मांस खाया है, बड़ी तृप्ति आ गई। कालनाक खुद को संभाल, कहीं उस बातों के भवंडर ने सुन लिया ना तो तेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। वैसे है कहाँ वो बातों का भवंडर? छोटे 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 छोटे, वो उज्जल तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, और ना ही उसका वो बातें करने वाला यंत्र। कहीं वो तो नहीं हो गया जो मैं सोच रहा हूं? कहीं उज्जल ने मुझे उस मनुष्य को खाते हुए देख तो नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर उज्जल ने मेरा असली रूप देख लिया तो वो सबसे पहले जाके उस शिवाली को बताएगा, और वो शिवाली मुझसे कभी संभोग नहीं करेगी। सदियों के बाद श्राप मुक्त हुआ हूं मैं, और अब उस नागिन के माध्यम से अपनी शक्तियां वापस पाने का ये अवसर मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। मुझे कैसे भी करके उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। उज्जल, मैंने तुम्हें कॉल। शिवाली, शिवाली। क्या हुआ उज्जल, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो मेरे ब्रो है ना, मेरे ब्रो नहीं है। क्या
तुम ये सब क्या कह रहे हो? आप पहले मेरी बात तो सुन लो। आप लोग जब कल जंगल से लौटे थे ना, उसके बाद से कुछ भी ठीक नहीं है। पता है आपको मेरी बातें झूठी लग रही होगी, मतलब ये नाग नागिन एंड ऑल। मुझे नाग नागिनों के बारे में अच्छे से पता है। क्या? पर कैसे? उज्जल, अभी ये सब बातें करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है शौविक किसी बड़ी मुसीबत में फंसा होगा। तुम जल्दी से स्वयंभू शिवलिंग वाले जंगल के पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फिलहाल मुझे कुछ चीजें इकट्ठा करनी होगी। क्या? वो सब तुम नहीं समझोगे, तुम बस जल्दी से जंगल के पास आ जाओ। ठीक है। और सुनो, अपना ख्याल रखना। हाँ, लहू कड़ाल जंगल का सबसे जहरीला जीव, पता नहीं कितना खतरनाक होगा, और अगर अचानक से मेरे सामने आ गया तब तो मेरी जान। आयुर्मणि, आप रुक क्यों गए? कहीं हम लहू कड़ाल तक पहुंच। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा, अब आ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता नहीं ब्रो अभी किस हालत में होंगे। उज्जल, उज्जल शांत हो जाओ, अभी हमें सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। पर अभी हम करें भी तो करें क्या, और ब्रो का भी कुछ ज्यादा पता नहीं है। और अगर वो नाग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया तो वो मुझे मार डालेगा। चुप क्यों हो गया छोटे? मैं बस एक बार किसी को छू लूं तो जब चाहे उसका रूप धारण कर सकता हूँ, जैसे तेरे भाई का भी किया था। कौन है तू? अरे, आवाज में इतना परिवर्तन, बड़ा प्रेम करता है अपने भाई से। कौन है तू बता वरना। बड़ी उत्सुकता है मेरा परिचय जानने की, तो सुन। पौराणिक युग का प्रसिद्ध शैतान, नागों का नाग काल नाग हूं मैं। और बड़ा भाग्यशाली है तू जो तुझे आज इस महादानव से मृत्यु मिलेगी। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ताकतवर।
इसका बॉडी पार्ट तो कट के फिर से जुड़ गया। ये सब जरूर उस रक्तमणि की वजह से हो रहा है। वो रक्तमणि उसके आंखों की जगह पे लगा हुआ है, मतलब मुझे कैसे भी करके उसके सिर पे वार करना पड़ेगा। पर वो जानवर गया कहाँ? राहु में जब भी कोई विपत्ति आए तो अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सोचना और याद रखना, जैसे मेरे प्राण आयुर्मणि में बसते, उसके प्राण बसते हैं उस रक्तमणि में। ओम नमः शिवाय। देखिए शिव जी, आपके आशीर्वाद से आखिर मैंने रक्तमणि हासिल कर ही लिया। शुक्रिया बरगद गुरु जी, अगर आप नहीं होते तो मैं इन मणियों तक कभी नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद मुझे श्राप मुक्त करने के लिए। ये कोई मामूली नाग नहीं, प्राचीन काल का महादानव काल नाग है। इससे लड़ना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। भाग जाओ यहाँ से। तुम मेरी चिंता मत करो, ये मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वरना इसका मकसद कैसे पूरा होगा? क्यों है ना कालनाग, मतलब नकली शौविक? मैंने तुम्हें सिर्फ सुंदर सोचा था, पर तुम तो काफी चतुर भी निकली। तो अब जब सब कुछ जान ही गई हो तो मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? तुम दोनों की जान भी बच जाएगी और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तेरी याददाश्त कमजोर है या फिर तू इतना ज्यादा बेशरम है कि आज सुबह का वो करारा थप्पड़ इतने जल्दी भूल गया? उज्जल, तुम इस जानवर की मुंह ही मत लगो, इसे मैं संभाल लेती हूँ। हाँ, पीछे ही ले जा इस तुच्छ मनुष्य को, वरना तो नाग नागिनों के बीच आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। क्या कहा तूने? नाग नागिन, मतलब शिवाली ये क्या कह रहा है? उज्जल, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगी, अभी कोई भी सवाल मत करो। सवाल तो फिलहाल मुझे इससे करना है। आपकी मदद से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। कौन हो आप और मैंने आपकी क्या मदद की है? मैं रुधिरा हूँ, इस जंगल की एक प्राचीन देवी। मेरी नजर हमेशा से इस खूबसूरत और महाशक्तिशाली रक्तमणि पर थी और मैं इसे अपना बनाना चाहती थी। एक बार मैंने लालच के वश में आके देवलोक से ये मणि चुरा ली। तब देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस जंगल का सबसे जहरीला और भयंकर प्राणी बनके अनंत काल तक इस रक्त मणि की सुरक्षा करूंगी और इस श्राप का अंत तभी होगा जब कोई दिव्य पुरुष आके इस मणि को मुझसे अलग कर देगा। और आज आपने वही किया, आपकी वजह से मैं मुक्त हो गई। मुझे जान के अच्छा लगा कि मेरी वजह से किसी को उसके श्राप से मुक्ति मिल गई। आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, इसके बदले में मैं भी आपकी एक सहायता करना चाहती हूँ। अच्छा,
हाँ, मुझे पता है कि आप इस वक्त नीरमणि की खोज में हैं। हाँ। नीरमणि तक पहुंचने का मार्ग आपको आयुर्मणि और रक्तमणि मिलके दिखा देंगे, पर वहां पहुंच के उस मणि को कैसे हासिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक मायावी तालाब है। नीरमणि उसी तालाब की गहराइयों में छुपी हुई है। फिर मैं उस मणि तक कैसे पहुंच पाऊंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। उस मायावी तालाब की गहराई में तैर के नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पहुंचना होगा। क्या मतलब? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो तालाब मायावी है, तो वो अपनी माया से आपकी परीक्षा लेता रहेगा। पर अगर आपने अपनी बुद्धिमता से उसकी ये परीक्षा पार कर ली, तो वो स्वयं नीरमणि प्रदान कर देगा। समझ गया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना कुछ बताने के लिए। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएं। अब मैं चलती हूँ। रक्तमणि, मुझे नीरमणि तक जाने का रास्ता दिखाइए। बता, शौविक कहाँ है? बोल, तूने क्या किया है उसके साथ? काल नाक के सामने अपनी आंखें और आवाज दोनों झुका के बात कर। और तेरा शौविक जहां पर भी है ना, जीवित है, क्योंकि अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो मैं उसका ये शरीर धारण करके नहीं रख पाता। पर अभी लग रहा है कि मैं ज्यादा देर इस शरीर में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि उसकी मृत्यु जल्दी होने वाली है। तू क्यों कर रहा है ये सब हमारे साथ? हाँ, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हम सबके जान के पीछे पड़ गया है? मुझे किसी की जान लेने का कोई शौक नहीं, मुझे तो बस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और उसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पर उससे पहले तुझे ये बताना होगा, तू असल में है कौन और आया कहाँ से है? ये आप क्या कह रहे हो? आप इसकी मदद करोगे? उज्जल, तुम मुझ पर भरोसा रखो। इसे हराने के लिए पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, जो हमें सिर्फ यही बता सकता है। ओए, बता कौन है तू और कहाँ से आया है? जानना चाहता है ना कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? तो सुन, ये तो बिल्कुल एक चरखी जैसा निशान है जो गोल गोल घूमता रहता है। जंगल के बीचों बीच ये पत्थर कहां से आ गया? तेरे इस मकसद में मैं कैसे तेरी मदद कर सकती हूँ? तू ही तो है जिसके जरिए मुझे मेरा राज इस पूरी दुनिया में विस्तार करना है। क्या मतलब? मतलब यही कि मुझे तेरे साथ संभोग करके अपने वंश को आगे बढ़ाना है। इसे तो मैं यही चाहता है ना,
कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 13 राज चले? हाँ। यही चाहता है ना कि सब तुझसे डरे और तेरे सामने सर झुका के चले? हाँ। और तेरी शक्तियों के आगे सारी कायनात झुक जाए? हाँ हाँ हाँ। तो एक बात कान खोल के सुन ले, ये सब कभी नहीं होने वाला। तेरे जैसा नाली का कीड़ा इस दुनिया में राज करना तो क्या, जिंदा रहने के भी लायक नहीं है। शिवाली, ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अब तेरे आगे बढ़ने का नहीं, गिरने और मरने का वक्त है कालनाग। ये तेरे पापों का फल है जिन्होंने तुझे ऐसे बांध के रखा है। शिवाली, ये सब आपने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस प्रकृति अपना खेल खेल रहा है। शिवाली, तूने क्या जादू किया है? मैं इस छल्ले से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, ये बस कुदरत का जादू है जिन्होंने तुझे ऐसे बांध के रखा है। इसीलिए तेरे जैसा प्राचीन नाग भी इन प्राकृतिक तत्वों से काबू हो गया। तुम जल्दी से स्वयंभू शिवलिंग वाले जंगल के पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फिलहाल मुझे कुछ चीजें इकट्ठा करनी होगी। मासी, मासी मुझे कुछ चीजें चाहिए, अब अभी उनका इंतजाम करो। क्या चाहिए? लहसुन, सूखी मिर्च और सर्पगंध। इस सब तो सांप भागते लगे। हाँ, अब भी यही सोच लो कि मुझे भी किसी बड़े सांप को भगाना है। जाओ। আমি জানি না তুই কে কর রহি হে, পর এ পবিত্র গঙ্গা জল তুই সাথে রাখ, সব মুসিবত দূর হয়ে যায়গা। তুই চাহে আদিকাল কা মহাদানব হো ইয়া জো ভি হো, পর প্রকৃতি অর দৈবিক শক্তিও সে পরে কভি নহি হো সকতা। ইসিলিয়ে দেখ कैसे इन सांप भगाने वाले नुस्खों ने तुझे भी बांध के रखा है, और पवित्र गंगाजल की वजह से तेरी शक्तियां भी कम पड़ गई है। शाबाश, क्या दिमाग लगाया आपने, तो यही सब लाने में आपको इतना वक्त लग गया था। हाँ, और उसी का मौका देख के ये कालनाग आपका रूप लेके यहाँ पहुंच गया। शिवाली, तुझे पता नहीं तू कितनी बड़ी भूल कर रही है। मैं अगर एक बार यहाँ से मुक्त हो गया तो तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। फिलहाल तू मेरी नहीं, अपनी मौत की फिक्र कर, क्योंकि तेरे जैसे पापियों का अंत कितना दर्दनाक होता है ये मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है। उज्जल, जल्दी से स्वयंभू शिवलिंग के पास चलो। हाँ। क्योंकि इसने कहा कि शौविक वहीं पर कैद है। हाँ। चलो। रुक जा, मैं कह रहा हूँ ये लकीर मिटा के जा, वरना बाद में पश्चाताप करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। अब ये लकीर तो नहीं मिटने वाली, पर एक बात तय है, तेरे मिटने का वक्त जरूर आ गया है। चलो जाके ब्रो को ढूंढते हैं। चलो। अब और नहीं चला जाता मुझसे, एक दिन से ज्यादा हो गया, मेरे पेट में एक निवाला तक नहीं गया। अब पता नहीं ऐसे और कितनी देर चल पाऊंगा। हे भोलेनाथ, मेरी ताकत और हिम्मत दोनों बनाए रखना।
भक्तमणि रुक जाइए। एक ही जंगल में बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले दो पेड़ कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही जगह पे गोल गोल घूमे जा रहा हूं और ये निशान भी शायद उसी का संकेत है। यानी मेरा शक सही निकला, मैं बार बार घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहा हूं। हे भोलेनाथ, क्या मतलब हो सकता है इसका? रक्तमणि मुझे गलत रास्ता तो नहीं बता सकती? क्या करूं मैं, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आयुर्मणि और रक्तमणि से तुम्हें नीरमणि तक पहुंचने का मार्ग भी पता चल जाएगा। नीरमणि तक पहुंचने का मार्ग आपको आयुर्मणि और रक्तमणि मिलके दिखा देंगे। समझ गया, गलती मेरी ही थी जो मैं सिर्फ रक्तमणि से नीरमणि तक जाने का रास्ता पूछ रहा था। अगर मुझे नीरमणि तक पहुंचना ही है तो मुझे इन दोनों मणियों की मदद एक साथ लेनी पड़ेगी। आयुर्मणि, रक्तमणि मुझे नीरमणि तक जाने का रास्ता दिखाएगा। कितनी दूर है शंभू शिवलिंग? मैं पहुंच ही गए। चलो चलो, यही है वो शंभू शिवलिंग। ये जंगल तो इतना घना है, हम ब्रो को कैसे ढूंढेंगे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। एक काम करते हैं, अब उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाके देखता हूँ। उज्जल रुको, वैसे ही हमारे सर पे बहुत मुसीबतें हैं। ऐसे में हम दोनों अगर अलग हो जाएंगे तो मुसीबतें और भी बढ़ सकती है, इसीलिए हमें हर हालत में एक साथ रहना होगा। अरे पागल, क्या हो गया? अभी तुम ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा? शौविक को बचाना है तो हमें एक दूजे का हौसला बनना पड़ेगा। अब जब भी ऐसे समझाती हो ना, आप में मेरी ब्रो की झलक दिखती है। मुझे लाइफ में ब्रो से ज्यादा प्यार कभी किसी ने नहीं किया है। हमारे मम्मी पापा तो बस नाम के मम्मी पापा है, वो लोग अब्रॉड में रहते हैं और एक डेढ़ साल में बस एक बार हमसे मिलने आते। बचपन से लेकर मुझे डांटना, समझाना, प्यार करना सब कुछ ब्रो ने किया है। मैंने हमेशा से अपने मम्मी पापा को ब्रो में ही पाया है। और आज जैसे आपने मेरा ख्याल रखा, मुझे संभाला, मेरा हौसला बढ़ाया, ऐसा कोई अपना ही कर सकता है? अगर मेरी कोई बड़ी दीदी होती ना, बिल्कुल आप जैसी ही होती। I'm sorry, मैं थोड़ा ज्यादा ही सेंटी हो गया ना। ऐसा कुछ नहीं, पर इस वक्त हमें मजबूर नहीं मजबूत बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जाके शौविक को ढूंढना है। बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं और मेरा छोटा भाई मिलके बहुत बातें करेंगे। अब चलो। शायद यही है मायावी तालाब। इससे खूबसूरत तालाब तो मैंने आज तक नहीं देखा। बिना अनुमति के कोई भी मायावी तालाब से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, इसका स्पर्श भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पता नहीं कैसे अपना होश खो बैठा और तालाब के नजदीक चला गया। यही तो मायावी तालाब की माया है। पर बालक, तुम हो कौन? इस युग के किसी भी साधारण इंसान के लिए तो इस तालाब तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है।
मायावी तालाब, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं शौविक हूँ, मुझे अब तक आयुर्मणि और रक्तमणि ने पहुंचाया है, और मुझे आपसे नीरमणि चाहिए। सही कहा ना हमने? यानी तुम ही हो वो दिव्य पुरुष जिसके लिए हमने सदियों से इस पवित्र नीरमणि को अपने भीतर संरक्षित करके रखा है, और तुम इस मणि के जरिए किसी वृहद उद्देश्य को अंजाम देना चाहते हो। जी, मैं इन शक्तियों के जरिए प्राचीन काल का महादानव कालनाक का विनाश करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये नीरमणि दे दीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ये मणि तुम्हें अवश्य दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कौन सी परीक्षा? ये मायावी तालाब किसी को निशुल्क यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं देता, इसलिए अगर तुम्हें हमसे ये मूल्यवान नीरमणि लेनी है तो इसके बदले अपनी सबसे कीमती चीज समर्पित करनी पड़ेगी। शौविक! ब्रो! शौविक! ब्रो! शौविक कहाँ हो तुम? शौविक! हम कब से ब्रो को ढूंढ रहे हैं, पर वो तो मिल ही नहीं रहे। अब क्या करें शिवाली? मैं भी वही सोच रही हूँ। अब बस भोलेनाथ जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब बस कोई चमत्कार हो जाए और एक ही झटके में सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा चमत्कार तो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, नागमणि। मुझे पता है ना ही ये सही जगह है और ना ही अभी सही वक्त है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नागमणि साहब का क्या संबंध है? इससे पहले भी मुझे कई बार डाउट हुआ था जब मैंने आपको शिवजी को अपने हाथों से नागमणि समर्पण करते हुए देखा था, और आपकी बातों में मैंने कई बार नाग नागिन का जिक्र देखा है। क्या मतलब है इसका? उज्जल। हाँ उज्जल, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता पर शौविक को पता है। मेरी जिंदगी किसी भी आम इंसान की जिंदगी से बहुत अलग रह चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मैं एक इंसान नहीं, नागिन थी। पहले मैं खुद भी इसके बारे में नहीं जानती थी, पर मासी को सब कुछ पता था, और मुझे मेरे नागरूप का एहसास तब हुआ जब मैं 20 साल की हो गई। एक एक करके मैंने अपने सारे दुश्मनों को मारा। इसी बीच मेरी जिंदगी में तुम लोग आए और शौविक के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। फिर जब तुम कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चले गए, तब तक बहुत कुछ हो गया, और एक दिन शौविक को भी मेरी असलियत पता चल गई। फिर मैं, शौविक और मासी तीनों ने मिलकर लड़ाई की, और एक एक करके मैंने अपने सारे दुश्मनों से मेरे माँ बाबा की मौत का बदला ले लिया, और फिर एक इंसान की तरह खुशहाल जिंदगी जीने के लिए मैंने शिव जी से प्रार्थना किया और अपना नाग रूप त्याग दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझे पता है कि ये सारी बातें सच होंगी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई दिल दहलाने वाली रोमांचक कहानी सुन रहा हूं। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था, तुम्हें नागमणि के बारे में कैसे पता? मेरा तो फिर भी समझ में आता है, पर तुम? हमारे बारे में भी ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता। मैंने और मेरे ब्रो ने भी ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है नागमणि की रक्षा करने के लिए, कुछ इस जन्म और कुछ पिछले जन्म। अगर जरूरत पड़े तो इस जन्म भी नागमणि के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। तेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। कीमती चीज? मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन सी चीज की बात कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें स्वयं ही खोजना पड़ेगा,
और तुमने तो खुद ही कहा कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इस सफर में अब तक जो जो होता आ रहा है उससे मैंने यही सीखा है कि कीमत चीजों की नहीं, रिश्तों की होती है, अपनों की होती है, अपनों से जुड़े यादों की होती है। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां पे उन यादों के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मायावी तालाब, मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी चीज मेरे अपनों की यादों से ज्यादा कीमती नहीं है। पर आज अगर उनकी जान की कीमत मुझे उनकी ही यादों से चुकानी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप मुझे मेरे अपनों की यादों के बदले नीरमणि प्रदान कीजिए। बस आपसे एक ही विनती है कि इन यादों के साथ साथ मैं अपना मकसद और उसकी वजह को भी ना भूल जाऊं। लाइफ का सबसे प्यारा और कीमती तोहफा तू ही तो है। मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। ये तो मेरा प्यारा आशीर्वाद ही है पापा। मैंने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खोया है, अब अगर तुम्हें खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नीरमणि, तू शायद नहीं जानते प्यारा और मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद। तुम्हें खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मायावी तालाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नीरमणि प्रदान किया, पर मेरे पास मेरे अपनों की यादें तो अभी भी हैं। यही तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल रहे हो। नीरमणि शांति और सच्चाई की प्रतीक है, इसीलिए इसको किसी इंसान को प्रदान करने से पहले हमने परीक्षा ली कि वो इंसान कितना सच्चा है और कितनी शांति और धीरता से फैसले ले सकता है। तुम इन सारी परीक्षाओं में सफल रहे हो, अब जाओ, तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने का समय निकट है। विजयी भव। तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप मेरी गुहार सुन नहीं लेते। ओ जय शिव शंभु, तुमको पुकारूं सांझ सवेरे रूप निहारूं परमेश्वर। ये तो शिवाली की आवाज है। रुक जाओ ब्रो। ब्रो, असली उज्जल मैं हूँ, वो काल नाग है, मैं असली उज्जल हूँ, आपका भाई। जब जब इस धरती पे बुराई का काला साया पड़ा है तब तब महाकाल ने अपनी शक्तियों को एक नया रूप दिया है। अगर तू असली उज्जल है तो इस त्रिरत्न त्रिशूल को छूकर दिखा। छोटे, अब तो तेरे को मैं ही मारूंगा।